नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। एक नजर डालेंगे उत्तराखंड की खास खबरों पर। आस्था का महापर्व कुंभ मेला शुरू हो गया है, मगर ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर गंगा की सहायक जलधारा में पानी नहीं है, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को गंगा स्नान के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, घाट के पास गंगा का रुका हुआ पानी देखकर श्रद्धालु आचमन तक नहीं ले रहे हैं। श्रद्धालुओं ने कुंभ प्रशासन से जल्द गंगा की जलधारा घाट तक लाने की मांग की है। बता दें कि त्रिवेणी घाट पर कई बार अधिकारी निरीक्षण कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी गंगा की जलधारा कुंभ मेला शुरू होने के बाद भी त्रिवेणी घाट पर नहीं पहुंची है, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं में कुंभ मेला प्रशासन के खिलाफ आक्रोश देखा जा रहा है। श्रद्धालुओं ने सवाल खड़े किए हैं कि जब व्यवस्था ही नदारद है, तो ऐसे में श्रद्धालुओं को गंगा स्नान के लिए क्यों बुलाया जा रहा है। यहाँ कुंभ मेला चल रहा है, इस कुंभ मेले में स्नान करने के लिए हम आए हैं। जब यहाँ त्रिवेणी घाट ऋषिकेश में मैंने देखा तो यहाँ गंदगी है, यहाँ जल भी नहीं है, यहाँ कैसे स्नान कर सकते हैं। वही जब इतना पैसा खर्च हो रहा है सरकार का, तो कुंभ मेला अधिकारी से बस यही अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जल छोड़ा जाए, ये गंदगी यहाँ पर हटाई जाए, क्योंकि और भी कुंभ मेला में लोग स्नान करने आएंगे, वो कैसे यहाँ स्नान कर पाएंगे। मैं यहाँ पर स्नान करने आया था और कुंभ मेला जहाँ तक स्टार्ट हो चुका है, 1 अप्रैल से स्टार्ट है, और यहाँ पे जलधारा जो है यहाँ पर घुटने तक है गंगा जल का पानी। मेरा कुंभ मेला प्रशासन से अनुरोध है कि इस गंगा जल के स्तर को बढ़ाने का अनुरोध बढ़ाने की कृपा करें। भले ही कहने को तो जेल के कैदियों के लिए बंदी रक्षक तैनात किए गए हैं, लेकिन बंदी रक्षक की भक्षक बन जाए तब क्या होगा, इसका नज़ारा उस वक्त देखने को मिला जिस वक्त एक बंदी को बंदी रक्षकों ने पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। यह आरोप मृतक की पत्नी ने लगाया है। दरअसल हल्द्वानी जेल में विगत 6 मार्च को हुई मौत में अब एक नया मोड़ आ गया है। मौत के बाद अपने पति को जेल भिजवाने वाली पत्नी ने ही अब जेल बंदी रक्षकों पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस में तहरीर सौंपी, तो उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। सीजेएम कोर्ट नैनीताल में याचिका दायर कर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। हम दोनों में अभी भी झगड़ा हुआ था, तो मैंने वो ऐसी बंद करा दिए कि ये थोड़ा डांटेंगे पुलिस वाले तो आ जाएंगे एक दिन में, तो वो आए, इन्होंने चलान काट दिया बिकर, हमसे पूछे बिकर साइन झूठ मूठ करके। उसके बाद कोई बात नहीं, चलो यहाँ थाने आए काशीपुर में, काशीपुर में भी इन्होंने थोड़ा बहुत हमसे पूछा कि कौन है कि मेरे पति हैं, तो कोई बात नहीं, हमने सोचा था कि हल्द्वानी जाएंगे हम, इन्हें सोमवार के दिन छुड़ा के ले आएंगे वकील करके अपना। उसके बाद क्या कहते हैं, हम घर चले गए थे, तो 5 तारीख को ये गए थे और 6 तारीख की शाम को इनकी 5:15 बजे मरने की खबर आ गई थी। ऐसा क्या हुआ जेल में जो पुलिस वालों ने मेरे पति को इतना मारा कि उनकी मृत्यु ही हो गई, यानी कि ये कत्ल केस है, मार पीट के उन्हें जान से ही मार, 24 घंटे भी नहीं रहे थे, एक रात ही रहे थे बस, एक रात। पति को इंसाफ, मैं अपने पति की मतलब इंसाफ के लिए लड़ रही हूँ, मेरे 5 बच्चे हैं और मैं अपने बच्चों के लिए अकेली हूँ, अगर वो थे तो खर्चा चलाते थे, मेरे घर का खर्चा कौन चलाएगा। सर ये जो 6 तारीख को हत्या हुई है, ये वाकई में हत्या है, क्योंकि मेरे सामने की है, और जिस व्यक्ति की हत्या हुई है वो काशीपुर कुंडेश्वरी के रहने वाले हैं, और वो मैं जिस दिन रिलीज़ हुआ हूँ उस दिन की ये घटना है, 6 तारीख की और दोपहर के टाइम की घटना है। ये घटना ये है कि उस वो व्यक्ति माइंडली डिस्टर्ब थे शायद, और वो गेट की तरफ को बार बार इशारा करके ये कह रहे थे कि मुझे घर जाने दिया जाए, और जेल प्रशासन ने इसी वजह से, केवल इतनी सी गलती के वजह से उसको पेड़ से चिपका के इतना मारा, मुंह में कपड़ा डाल के, ताकि वो गिर गए। जब मुंह से कपड़ा उस व्यक्ति का निकला तो उसने कहा मुझे घर जाने दो, गाली गलौज भी करा उस व्यक्ति ने, तो जेल प्रशासन ने उसको अपने पैरों की नोकों के जूतों से इतना मारा कि मौके पर ही उस व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके कारण उसे सांस नहीं आई। तो 7 मार्च को पेपर के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिली कि एक व्यक्ति की जेल में पीट पीट कर एक हत्या कर दी गई है। मैं फिर इसमें पीड़िता से मिला, और उसके बाद मिले बाद मैंने सारे पेपर्स, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सारी चीज़ कलेक्ट करी। इसमें इस महिला के इंसाफ के लिए सबसे बड़ी बात है कि एक जेल में किसी व्यक्ति को भेजा जाता है तो सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में कहा जाता है कि जेल बहुत सुरक्षित है, लेकिन इस घटना से पता चला कि वहाँ जेल में भी कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। ये एक्चुअली मामला बहुत सिंपल है, ये जो महिला ये आरोप लगा रही है, उन्होंने खुद के पति के खिलाफ तहरीर दी थी कि उनकी बेटी के खिलाफ उन्होंने गलत कार्य किया। हमने भी इसको बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लिया गया जब एक माँ ये चीज़ बोलती है, उसमें मुकदमा दर्ज किया गया और उनको अगले दिन विदिन 24 आवर हमने जेल भेज दिया गया, उनको मतलब कोर्ट के सामने पेश किया गया, वहाँ से वो जेल भेज गए। जब वो कुंडेश्वरी पुलिस की कस्टडी में थे उनका मेडिकल किया गया और मेडिकल में उनकी तबीयत नॉर्मल बताई गई है, तो वो झूठे आरोप लगाइए, और जितनी हमारी इसमें समझ है
कहा जा रहा है कि उन्होंने ये मुकदमा झूठा दर्ज करवाया आपके पति के ना, तो खुद इस जिम्मेदारी से बचने के लिए वो पुलिस पे आरोप लगा रही है। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर उच्च अधिकारी द्वारा लगातार अधिकारियों को कोविड के नियमों का पालन कराने के निर्देश दिए जा रहे हैं, जिसको लेकर मसूरी पुलिस महकमा कोविड के नियमों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने को लेकर लगातार काम कर रहा है। लेकिन मसूरी में आने वाले पर्यटक लगातार पुलिस कर्मियों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। वहीं देखा जा रहा है कि जब पुलिसकर्मी पर्यटकों को मास्क पहनने के साथ कोविड के नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई करते हैं तो लोग उनके साथ अभद्रता करते हैं। वही लोग पुलिस कर्मियों से अभद्रता कर उनका मोबाइल फोन में वीडियो तक बना लेते हैं। देखिए हम अपने राज्य सरकार के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं, उनके अनुसार ही चालन किए जा रहे हैं और प्रत्येक व्यक्ति के चालन किए जा रहे हैं। फिर भी कुछ लोग मुद्दा बनाते हैं, लेकिन हमें तो अपना काम करना है। पर्यटन, संस्कृति, सूचना एवं नागरिक उड्डयन सचिव दिलीप जावलकर ने गोपेश्वर कलेक्ट्रेट सभाकर में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत प्रस्तावित कार्यों को लेकर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि कोई विभाग बिना जिला अधिकारी की अनुमति के बद्रीनाथ में कोई भी निर्माण कार्य नहीं करेगा। साथ ही सभी विभाग मास्टर प्लान के तहत प्रस्तावित प्रोजेक्ट को ध्यान में रखते हुए एक रूपता के साथ कार्य करना सुनिश्चित करें, ताकि मास्टर प्लान के प्रोजेक्ट के साथ किसी भी निर्माण कार्य की ओवरलैपिंग ना हो। इस दौरान पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, एससी, सीएमओ और नगर पालिका विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। कुंभ नगरी हरिद्वार में कुंभ मेला चल रहा है, जिसमें शामिल होने द्वारका, शारदा और ज्योतिष पीठ के पीठाधीश्वर, जगत गुरु शंकराचार्य, स्वरूपानंद सरस्वती भी हरिद्वार पहुंच गए हैं, जहां उनका ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया गया। कंखल शंकराचार्य मठ पहुंचने पर उनकी आरती कर पूजन किया गया। कुंभ मेले में शंकराचार्य जी का शिविर कई दिन पहले ही शुरू हो गया है, जहाँ पर प्रतिदिन संध्या गंगा आरती भी आयोजित की जाती है। इस मौके पर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि हरिद्वार में 11-12 साल बाद कुंभ मेला लगता है। हरिद्वार के जटवाड़ा पुल से शोभा यात्रा का शुभारंभ हो गया है। रविदास महापीठ समर्थकों के बीच बैंड बाजे और ढोल नगाड़ों के साथ गंगा शोभा यात्रा शुरू हुई। उपनगरी ज्वालापुर के पुल जटवाड़ा से शुरू होकर हर की पौड़ी तक ये शोभा यात्रा जाएगी। बता दें, हरिद्वार की हर की पौड़ी पहुंचकर सभी भक्त वहां पर गंगा स्नान भी करेंगे। स्थानीय लोगों के अलावा भी देश के कई अलग अलग राज्यों से श्री रविदास महापीठ के भक्त भारी संख्या में हरिद्वार गंगा शोभा यात्रा में पहुंचे हैं। मैं अखाड़ा परिषद, जो श्री गुरु निरंजनी अखाड़ा के माध्यम से मुझे महामंडलेश्वर घोषित किया है, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि उनकी प्रेरणा हमें सुखदायी होगी और प्रेरणा आगे बढ़कर हम देश की एकता में सनातन की परंपरा को आगे कायम करने में सफल रहेंगे। क्या रूट है इसका, कहां से कहां जाएगी समापन? हम यहां से चलेंगे थाने के सामने से होकर कस्सा बांध से और ऊंचे पुल से होते हुए आर्यनगर होते हुए रानीपुर मोड़ होते हुए अपर रोड होते हुए हर की पैड़ी पर आज स्नान करेंगे। हल्द्वानी शहर के बढ़ते यातायात और जाम को देखते हुए शहर के 11 चौराहों पर को चिन्हित कर वहां ट्रैफिक लाइट लगाई गई थी, लेकिन पिछले एक महीने से ट्रैफिक लाइट लगने के बाद भी अब तक शुरू नहीं हो पाई है। अब ये ट्रैफिक लाइटें शहर में सिर्फ और सिर्फ शोपीस बनकर नजर आती हैं। 2 करोड़ रुपए खर्च कर यातायात व्यवस्था सुचारू करने के लिए लगाई गई ट्रैफिक लाइट केवल सफेद हाथी बनकर खड़ी है। ना तो उसका ट्रायल हो पाया है और ना ही संचालन शुरू हुआ है। एसपी सिटी जगदीश चंद का कहना है कि अभी फोर्स कुंभ ड्यूटी में है, लिहाजा कुंभ के बाद जब फोर्स वापस आएगी उसके बाद लोगों को जानकारी देकर इसका ट्रायल शुरू किया जाएगा, क्योंकि ट्रायल शुरू करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस कर्मियों की जरूरत है। तब तक हम रोड लाइट की ही बदौलत लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ताकि लोगों को इसकी आदत पड़े। ट्रैफिक लाइटें जो काफ़ी लंबे समय से प्रतीक्षारत थी, वो अब लग चुकी हैं। अभी प्रथम फेज में हम जो शहर के लोग हैं उनको इसमें ट्रेन करना चाह रहे हैं कि जिससे कि वो रेड लाइट जंप ना करें और जो रेड लाइट पे जो ट्रैफिक के नियमों का पालन करना है उसके लिए वो प्रशिक्षित हों। क्योंकि अधिकांश फोर्स हमारा कुंभ जा चुका है, इसलिए ये संभव नहीं हो पा रहा है। फोर्स के लौटते ही हम लोग इसको शुरू करेंगे और ट्रैफिक लाइटों का जो सुचारू रूप से जो चलाना है वो तभी संभव हो पाएगा।
हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्रों के जंगलों में लगी आग से अब खतरा और बढ़ गया है। जहां वन विभाग आग बुझाने में लाचार साबित हो रहा है, तो वहीं अब किसानों को उनकी खड़ी फसल में आग लगने का खतरा भी सताने लगा है। हल्द्वानी के हरिपुर जमन सिंह गांव के से सटे जंगलों में देर रात से भीषण आग लगी हुई है। तेज हवा के चलते आग और विकराल रूप ले रही है, जिससे ग्रामीण भी अब दहशत में है। ग्रामीण अब खुद ही आग बुझाने में जुट गए हैं। देखिए, सबसे पहले आग तो एक कल से पता चला, जो आग की गति बढ़ी है, पहले से जंगल में लगी हुई, कल से बहुत तेज गति से लगनी शुरू हुई। तो खतरा सबसे पहले फसल पकी हुई है किसानों की, यहाँ पर किसानों की फसल पकी हुई, जो आग के पोत उड़ के आ रहे हैं, ये सीधे अटैक फसल पे ही कर रहे हैं। काफी तीव्र गति से फसल पकी होने के कारण ये जलने में। कांग्रेस द्वारा किए गए सल्ट उपचुनाव में जीत के दावे को लेकर कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि कांग्रेस के पास ना ही कोई मुद्दा है और ना ही नीतियां हैं। कांग्रेस एक नेत्रहीन पार्टी है, जिसका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से होना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने 4 साल के कार्यकाल के दौरान जनहित में कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। मौजूदा बीजेपी सरकार ने हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ किया है। नेतृत्वहीन कांग्रेस, कुंभकर्णी नींद में सोई भी कांग्रेस, और दूसरी तरफ सरकार के 4 वर्षों का कार्यकाल, जिसमें हमने बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय जनहित में, चाहे नौजवानों के हों, चाहे महिलाओं के हों, चाहे किसानों के हों, चाहे वो उद्योग के क्षेत्र में हो, तमाम महत्वपूर्ण जो निर्णय लिए और जो कार्यक्रम और नीतियाँ पार्टी की है, उनको लेकर के हम जाएंगे। और कांग्रेस अपनी कार्यक्रम नीतियों में जाएगी। सब जानते हैं कांग्रेस के क्या कार्यक्रम रहे हैं और क्या नीतियाँ हैं। लक्सर खानपुर थाना के चंदपुरी खुर्द गांव में बीती 31 मार्च को एक 19 वर्षीय युवती का शव मिला था। युवती का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। खानपुर पुलिस को मामले की सूचना मिलते ही खानपुर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुट गई थी। मामला इतना संवेदनशील था कि SSP भी मौके पर पहुंचे थे। SSP के दिशा निर्देश के चलते आरोपी को अति शीघ्र पकड़ने के लिए टीम बनाई गई थी, जिसके बाद आज खानपुर पहुंचकर SSP ने पत्रकारों को बताया कि उक्त मामले में खानपुर पुलिस ने CIU की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, पकड़ा गया आरोपी मृतक युवती का पारिवारिक रिश्तेदार है और रिश्ते में भाई लगता है। SSP ने एक बहुत ही बड़ा रोचक खुलासा किया। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपी ने युवती के साथ दुष्कर्म भी किया था। सुबह लगभग 8 बजे हमारा कानपुर थाने में सूचना मिली थी कि चंदपुरी गांव का श्री ओम प्रकाश है, उन्होंने बताया था कि उनका पुत्र जो है 30 मार्च को जो है अपने खेत में चारा काटने के लिए गई हुई थी, वो वापस नहीं लौटी थी। हम लोग रात भर ढूंढते रहे, आज सुबह उनका डेड बॉडी जो है उस खेत का पास ही जो है मिला है करके, तत्काल रूप से हम सब मौके पर पहुंचे और सारे सबूत वगैरह इकट्ठे किए, पूछताछ किए। इसमें जो है उसी दिन ही जो है उनका तहरीर के आधार पर हम धारा 302 IPC में जो है अज्ञात का विरुद्ध जो है हमने मुकदमा कायम करी थी, और इस पर जो आज हमें सफलता मिली। इसमें जो अभियुक्त जो है हरेंद्र है, ये इनका रिश्तेदार में भी भाई लगता है, इनका द्वारा इस घटना का अंजाम दी गई है। इसका कारण यह है कि ये जब 30 तारीख का जो है ये भी खेत में गया हुआ था, ये होली का दिन में जो शराब सेवन किया उसका नशे में था, तो जब ये लड़की ने इनसे मदद मांगी अपना शराब को सिर में रखने के लिए, तब इनका एक गलत नियत इनका मन पर पैदा हुआ है। उस इससे जो है इन्होंने उस लड़की के साथ गलत काम किया, फिर उसका जो पहचाना छुपाने के मकसद से जो है उनका जो है गले दबा के जो है इन्होंने मर्डर कर दिया था। आज इनको हमने गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड के पेयजल और वर्षा जल संग्रहण मंत्री भीषण सिंह चुफाल पौड़ी जिले का प्रभारी बनने के बाद पहली बार अपने पौड़ी दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक कर विकास भवन में ली और जिले की कार्य प्रगति और गुणवत्ता का हाल जाना। प्रभारी मंत्री भीषण सिंह चुफाल ने कहा कि जिले के तमाम क्षेत्रों से उन्हें भी खराब गुणवत्ता की सड़क निर्माण की शिकायतें लगातार मिल रही थी, जिन पर हाल ही में डामरीकरण का काम हुआ है और सड़कें उखड़ने तक लगी हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की शिकायतें उन्हें आगे से ना मिले, इसका विभागीय अधिकारी ध्यान दें। जिला सेक्टर के अंतर्गत हमारे जो खर्च हुआ वो बिल्कुल 100% पैसा खर्च किया गया, और राज्य सेक्टर के अंतर्गत 93% पैसा खर्च किया गया 2020 की। जो विभाग जो पहला दौरा जो आप बता रहे हैं कि यहाँ पर सबसे पहले तो अधिकारियों को हमने यहाँ पर इसलिए बुलाया गया कि जो समय पानी की जो समस्या है हमारे पास, जो अभी 1-2 महीने के अंतर्गत समस्या आने वाली है मानसून बारिश से पहले, उसको कैसे लोगों को वहाँ तक पानी पहुँचा जाए, ये महत्वपूर्ण बैठक थी।
काशीपुर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत ने किसानों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत पर हुए हमले की कड़े शब्दों में वो निंदा करते हैं। उधर टिकैत पर हुए इस हमले को लेकर बीजेपी को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया। किसान नेताओं ने इस हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। साथ ही कृषि कानूनों से संबंधित एक पैम्पलेट का भी विमोचन किया। शुरुआत से कहा फिर 12 संशोधन को भी तैयार होगी। काला क्या है, तो काला क्या है वो तो सब देश की जनता जानती है। आज उसका एक प्रति जो है वो हार्ड कॉपी के रूप में बनाई है, वो जो है उसका विमोचन आज किया गया। अगर कानून में इतनी खूबियां हैं तो चुनाव चल रहे, एक बार भी इन कानूनों का जिक्र वहाँ प्रधानमंत्री ने कर रहे कि इतनी खूबी अगर इस बिल में है। भाई खूबी का तो जिक्र तो करना चाहिए। जब देश के किसान के उद्धार के लिए बिल ले गए तो वोट मिलती उनको, तो इस बार तो वोट भी तो लेने का काम कर सकते। वो क्यों नहीं किया, क्या वहाँ सिर्फ हिंदू और मुस्लिम और बांटने का और भावनाएं भड़का के ही वोट लेने का काम करेंगे। हरिद्वार के बुद्ध पार्क में उपनल कर्मचारियों ने हवन यज्ञ करते हुए राज्य सरकार की सद्बुद्धि और कर्मचारियों के मनोबल बढ़ाने के लिए भगवान से प्रार्थना की। दरअसल पिछले 25 मार्च से उपनल के 700 कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। समान काम समान वेतन और नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे उपनल कर्मचारियों की राज्य सरकार से सीधी मांग है कि हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को लागू कर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई SLP वापस ले। उन्होंने कहा कि उनकी मांग पूरी न होने पर वो 2022 के विधानसभा चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे। 25 तारीख से हम लोग जो हड़ताल में बैठे हुए हैं, आज की तारीख में हम लोगों ने यहाँ पर बुद्धि सिद्धि यज्ञ जो किया है, ये सरकार की मंशा को, सरकार को सद्बुद्धि प्राप्त हो, हमारे कर्मचारियों को बैठने का हौसला प्राप्त हो, कर्मचारी निरोगी हो यहाँ पर, और सबसे बड़ा है कि जो हम लोगों की दो सूत्री मांगे हैं, एक समान कार्य समान वेतन देना, दूसरा 6 महीने के अंदर नियमितीकरण की बात करनी। यदि सरकार इस यज्ञ की बात भी नीचे लाई गई, हमें परमपिता परमेश्वर से ये बहुत बड़ी हमें अभिलाषा है कि सरकार को इस बात का अवश्य उसका श्रेय प्राप्त होने के लिए अगर चाहते हैं तो आप अति शीघ्र इस कार्यक्रम को जल्दी से करें, फटाफट करें आप लोग। उद्धम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह कुमार ने के दिशा निर्देश पर नशे की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाए जाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे अभियान में थाना ITI पुलिस से क्षेत्र अंतर्गत श्यामपुर कॉलोनी में मुखबिर की सूचना पर राजेश जोशी के मकान में दबिश देकर 80 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की है, जिसकी कीमत बाजार में 8 से 10 लाख रुपए बताई जा रही है। थाना ITI प्रभारी राकेश कठायत ने बताया कि नशे के विरुद्ध लगातार अभियान आगे भी जारी रहेगा और क्षेत्र में किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन्फॉर्मेशन मेरे देखिए, राजेश जोशी नाम का कोई व्यक्ति है श्यामपुरम कॉलोनी का, जिसने अपने घर में इलीगल तरीके से शराब स्टोर की हुई है। इस सूचना पर पुलिस टीम वहाँ पर गई तो उसके घर में 80 पेटी अंग्रेजी शराब अलग अलग मार्का जो है वो पाई हो पुलिस टीम को मिली वहाँ पर, और जिस पर जब उसको शराब को सब यहाँ पर लेकर आया गया और अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया। कितनी रकम की शराब मानी जा रही है? ये लगभग 8 से 10 लाख के बीच की शराब है, और जो ये वाइन जिसको पकड़ा गया अभियुक्त का, वो यहाँ पे काशीपुर रोड रेलवे स्टेशन के सामने जो वाइन शॉप है उसके पार्टनर थे, और इनका टेंडर ख़त्म हो गया था इस साल, तो शायद हो सकता है कि वो शराब स्टॉक को भेजी हुई शराब को इन्होंने अपने घर में रखा हुआ था। उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।